नमस्कार दर्शकों, आप सभी को हमारे चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल टेल्स में स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव की कुछ अनसुनी बातें बताएंगे, जो शायद ही आपने सुनी होगी। आज के इस एपिसोड में हम शिव जी से जुड़े कुछ सत्य को जानेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं में सभी देवताओं में से वे एकमात्र ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, नष्ट करना और बचाना, क्योंकि भगवान शिव को संहारक भी कहा जाता है और रक्षक भी। इसीलिए समुद्र मंथन के वक्त समुद्र से निकला हुआ विष पीकर उन्होंने संसार को बचाया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। उनके सिर पर अर्धचंद्र चंद्रमा एक समय चक्र का प्रतीक है। भगवान शिव ने एक त्रिशूल धारण किया है, जो सत्य, रज, तम तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। सत्व सृष्टि का आधार है, जबकि राज नित्य के लिए खड़ा है, और तमस विनाश का आधार है। भगवान शिव सृष्टिकर्ता, संरक्षक और साथ ही समस्त सृष्टि के संहारक भी है। आदि योगी कहे, शिव कहे या आदिनाथ कहे, मानव को योग सिखाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग करना सिखाया था। कहा जाता है कि पंजाब के पास एक सिक्का पाया गया था, जो 12 साल पुराना है, जिसमें एक योगी पद्मासन में बैठे हुए हैं और उनके पीछे एक बैल है। भगवान हनुमान शिव जी के 11वें अवतार है। भगवान हनुमान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उनकी भक्ति ऐसी थी जैसे भगवान विष्णु के प्रति शिव जी का है। शिव बहुत भोले देवता है। वे अक्सर लोगों को वरदान दे देते हैं, भले ही वे दिल से दुष्ट हो। कई राक्षसों ने शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किए, और रावण उनमें से एक है। यही एक कारण है कि उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आधा पुरुष आधा महिला स्वरूप है। इस अवधारण का उपयोग इस बात के प्रतीक के लिए किया जाता है कि एक वैवाहिक संबंध में पत्नी पति का एक हिस्सा है और उसे एक समान दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि शिव पार्वती को अक्सर एक आदर्श विवाह के उदाहरण के रूप में रखा जाता है। शिव को नृत्य का स्वामी या नटराज कहा जाता है। उनका सबसे महत्वपूर्ण नृत्य तांडव है। वो मृत्यु का लौकिक नृत्य है, जो वो ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए हर उम्र के अंत में करते हैं। देवी पार्वती लस्य नृत्य करती है, जो सृजन का नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव द्वारा किए गए तांडव के लौकिक नृत्य की पुरुष ऊर्जा की प्रतिक्रिया में उन्होंने लस्य नृत्य किया था। शिव का शरीर हमेशा राग से ढका रहता है और उनके भक्त एक राग का तिलक लगाते हैं। ये कहा जाता है कि वो अपने भक्तों को वास्तविकता के बारे में याद दिलाने के लिए राग पहनते हैं। क्या शिव वास्तव में अघोरी है? इससे जुड़े विभिन्न मूल्य, संवेदनाएं और कहानियां हैं। हालांकि शिव का कालभैरव अवतार अघोरी संस्कृति को दर्शाता है। शिव शब्दिक अर्थ में अनंत है। हिंदी में एक वाक्यांश है, जिसका ना आदि ना अंत। कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव सबसे शांत देवता है, पर यह बिल्कुल अनुचित होगा कहना कि भगवान शिव
गंजा का सेवन करते हैं। कई चित्रों में उन्हें चिलम और भाव का उपभोग करते हुए चित्रित किया गया है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव की स्थिति बिगड़ गई और विष के प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव को भांग दी गई और उसके बाद से उनके साथ भांग का नाता जुड़ गया। पर हमारे पुराणों ग्रंथों से कुछ भी ऐसा साबित नहीं हो सकता। आज आधुनिक विज्ञान ये साबित कर रहा है कि सब कुछ नहीं से आता है और कुछ भी नहीं है। शिवा शब्द का अर्थ है नहीं या कुछ नहीं। अतः अनुभव की इस अवस्था तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति आदियोगी स्वयं शिव के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें। धन्यवाद।